मैं सुनील कुमार कारपेंटर, लेक्चरर और कॉमर्स, आपके सामने अकाउंटेंसी क्लास 12th का एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो उसकी जो मेथड होती है वो क्या होती है, दो मेथड होती है या टू टाइप की क्या होती है मेथड होती है, जैसे फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, जब हम कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड से जब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें दो खाते बनाए जाते हैं। कितने अकाउंट बनाए जाते हैं? दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और दूसरा क्या बनाया जाता है, करंट अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग जो मेथड होती है उसमें क्या और वन एक ही अकाउंट बनाया जाता है और वो बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस देखेंगे। तो इसका जो पहला बिंदु है, पॉइंट है, वो देखेंगे। पहले फर्स्ट पे दे रखा है बैलेंस। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस। जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, ठीक है, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, क्रेडिट बैलेंस को ही क्या करता है, वो दिखाता है ना। जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दूसरा करंट अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब करंट अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा क्या करता है, क्रेडिट बैलेंस को ही शो करता है। इसके बाद ये देखेंगे, द कैपिटल अकाउंट में सम टाइम शो ए डेबिट बैलेंस, है ना। ये क्या करता है, कभी कभी डेबिट बैलेंस भी क्या करता है, शो करता है, दिखाता है। मतलब ये दोनों टाइप के बैलेंस दिखा सकता है, डेबिट भी दिखा सकता है और कह सकते हैं कि द कैपिटल अकाउंट में सम टाइम्स शो ए डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस भी क्या कर सकता है, दिखा सकता है, परिवर्तन हो सकता है इसमें। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, आइटम इंटरेस्ट फॉर द ओरिजिनल कैपिटल। ठीक है, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें ओरिजिनल कैपिटल को लिखा जाता है, तो ओरिजिनल कैपिटल किसे कहते हैं, तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा बिजनेस में जो फर्स्ट टाइम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है वो क्या कहलाती है, ओरिजिनल कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है, वो ओरिजिनल कैपिटल कहलाती है। जैसे कोई पार्टनर्स ने, जो पार्टनर्स है उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हमको एक पार्टनरशिप फर्म क्या करनी चाहिए, एस्टेब्लिश करनी चाहिए, खोलनी चाहिए, और उस समय फर्स्ट टाइम जो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में वही क्या कहलाती है, ओरिजिनल कैपिटल कहलाती है। तो उसको ओरिजिनल कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। एडिशनल कैपिटल होती है जो मिडिल ऑफ द ईयर में उसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाया जाता है, जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसको क्या किया जाता है, लाया जाता है। तो वही जो कैपिटल होती है वो क्या कहलाती है, एडिशनल कैपिटल की। तो ओरिजिनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट एंड कैपिटल विड्रो और मेड इन दिस केस, इसमें जब कैपिटल को विड्रॉ कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो कहने का मतलब इसमें तीन चीजों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, पहला ओरिजिनल कैपिटल, दूसरी चीज क्या है, एडिशनल कैपिटल, और तीसरा क्या है, इसमें जो कैपिटल विड्रॉ होती है उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इधर की साइड इंटरेस्ट फॉर द ओरिजिनल कैपिटल, इसमें ओरिजिनल कैपिटल को भी लिखा जाता है, ओरिजिनल कैपिटल फर्स्ट टाइम जो पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या कहलाती है, ओरिजिनल कैपिटल कहलाती है। एडिशनल कैपिटल मिडिल ऑफ द ईयर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो एडिशनल कैपिटल कहलाती है। विड्रॉल कैपिटल, जिसको क्या किया जाता है, कैपिटल को जो पार्टनर्स होते हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट बिजनेस उनको देता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। कमीशन टू पार्टनर्स, बोनस टू पार्टनर्स एंड ड्राइंग जो हायरिंग करते हैं उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको भी क्या किया जाता है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और मेड इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ, इस खाते में भी चीजों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट देखते हैं, फिक्स्ड द कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड अनलेस देयर इज एडिशनल
और विथड्रॉ कैप ऑफ कैपिटल। इसका जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहता है वो अनचेंज रहता है, कभी बदलता नहीं है जब तक कि उसमें कैपिटल को या तो एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए या फिर कैपिटल को विड्रॉ नहीं किया जाता है, तब तक इसका बैलेंस क्या रहता है, अनचेंज रहता है। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका जो बैलेंस है वो हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। इसके बाद देखना इसमें लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ अकाउंट। तो अंडर दिस मेथड टू सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर द ईच पार्टनर्स विच इज द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इस जो मेथड है इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और दूसरा करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। कैपिटल में ओरिजिनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन कैपिटल को क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और जो करंट अकाउंट में उसमें जो साझेदार जो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इधर देखते हैं ईच पार्टनर्स हैज वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट अंडर दिस मेथड। इसमें क्या पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इसमें दो अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसमें क्या वन अकाउंट क्या किया जाता है, बनाया जाता है और उसी अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड वो ओरिजिनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रो ऑफ कैपिटल, ठीक है, और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं, इसमें एक अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने क्या हुआ प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।